Dear students, in this lecture of system analysis and design, we will study about types of testing. In previous lecture, we have studied about the system testing. Now, today's topic is type of testing. आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्टिंग के टाइप्स के बारे में है. सिस्टम टेस्टिंग की कल बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है. यूनिट टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्टिंग में जो सबसे पहली टेस्टिंग आती है वो आती है यूनिट टेस्टिंग. अब बात ये आती है कि यूनिट क्या है, व्हाट इज़ यूनिट. यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, डेटा कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, कंटेंट कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या सिस्टम डिज़ाइन का. ठीक है, यानी कि सिस्टम डिज़ाइन का या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का या सिस्टम का या किसी सॉफ्टवेयर का जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होगा वो यूनिट कहलाता है. तो उसी की टेस्टिंग की यहाँ बात हो रही है. यूनिट टेस्टिंग, इट फोकसेस ऑन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऑब्लिक सिस्टम डिज़ाइन. ये जो है यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर फोकस करता है. इन दिस बी टेस्ट एन इंडिविजुअल यूनिट और ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट्स. इस टाइप की जो टेस्टिंग होती है उसमें हम टेस्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल यूनिट को या ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स को जो आपस में रिलेटेड हों उन यूनिट्स को टेस्ट करते हैं या किसी इंडिविजुअल यूनिट को इसमें हम टेस्ट करते हैं. इट इज़ ऑफन डन बाई द प्रोग्रामर, और ये जो प्रोसेस है टेस्ट करने का वो प्रोग्रामर के द्वारा या जो डिज़ाइनर है या डेवलपर है सिस्टम का उसके द्वारा किया जाता है. बाय यूजिंग सैंपल इनपुट एंड ऑब्जर्विंग इट करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स. ठीक है, प्रोग्रामर या डेवलपर जो है वो सैंपल इनपुट के द्वारा इसे टेस्ट करता है और करस्पॉन्डिंग आउटपुट के अकॉर्डिंग इसे ऑब्जर्व करता है. ठीक है, ये यूनिट टेस्टिंग कहलाती है. क्लियर, समझ में आ गया यूनिट टेस्टिंग. अब बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की. द ऑब्जेक्टिव इज टू टेक यूनिट टेस्टेड कंपोनेंट एंड बिल्ड ए प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड दैट हैज बीन डिक्टेटेड बाय डिजाइन. जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, गोल क्या होता है. इसका जो ऑब्जेक्टिव है इज टेक यूनिट टेस्टेड कंपोनेंट, यानी जो इस टेस्टिंग में हमने यूनिट टेस्ट की थी तो उन कंपोनेंट को लेकर जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन तैयार करना. ठीक है, जो यूनिट टेस्टिंग के बाद जो हमें यूनिट्स मिली टेस्ट होने के बाद, तो उन्हें लेकर एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बिल्ड करना ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग का काम है. या हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम जो यूनिट टेस्टिंग में यूनिट्स हमें मिले थे उन्हें इकट्ठा करके एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं जो कि एक डिज़ाइन को डिक्टेट कर, यानी कह सकते हैं डिज़ाइन डिक्टेट किया जाती है इसमें. तो दैट हैज़ बीन डिक्टेटेड बाई डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इन यूनिट के द्वारा किया जाता है जो यूनिट टेस्ट में हमें यूनिट मिले हैं. यूनिट टेस्टिंग में जो यूनिट मिले हैं टेस्ट होने के बाद उनको इकट्ठा करके प्रोग्राम स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग. ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टेस्टिंग इन विच ए ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स इज कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट. इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जिसमें ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जो हैं कंबाइंड होते हैं और आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड, सिस्टम के जो कंपाउंड होते हैं या सॉफ्टवेयर के जो कंपाउंड होते हैं वो इकट्ठा होकर आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं. इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज ऑफ फोर टाइप्स. इंटीग्रेशन टेस्टिंग चार प्रकार की होती है, टॉप डाउन, बॉटम अप, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको टॉप डाउन और बॉटम अप के बारे में पिछले लेक्चर में, सैंडविच और बिग बैन. ये चार टाइप की हमारी टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आती है. अब हम बात करेंगे थर्ड टेस्टिंग, दैट इज रेग्रेशन टेस्टिंग. एवरी टाइम ए न्यू मॉड्यूल इज एडेड
लीड्स टू चेंज इन द प्रोग्राम। इनका कहने का मतलब है एवरी टाइम, मतलब ज़्यादातर समय एक नया जो मॉड्यूल होता है वो ऐड होने के लिए तैयार रहता है प्रोग्राम में, और जिससे क्या होता है प्रोग्राम में चेंजेस आते हैं। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग मेक्स श्योर दैट द होल कंपोनेंट वर्क प्रॉपरली इवन आफ्टर एडिंग कंपोनेंट टू द कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, इनका कहने का मतलब है मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है या सिस्टम चल रहा है, तो उसमें मॉड्यूल हमारे बार बार ऐड होते हैं, एवरी टाइम नए मॉड्यूल ऐड होते हैं जिससे कि प्रोग्राम में चेंजेस आते हैं। तो जो रिग्रेशन टेस्टिंग का काम है वो है ये है कि वो ये श्योर करती है, मेक श्योर दैट होल कंपोनेंट इज वर्क प्रॉपरली, कि जो कंपोनेंट हैं प्रीवियस मॉड्यूल के जो कंपोनेंट हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर एडिंग द न्यू कंपोनेंट, यानी कि नया कंपोनेंट ऐड करने के बाद जो प्रीवियस कंपोनेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई हम सिस्टम या कोई प्रोग्राम रन करा रहे हैं या सिस्टम रन करा रहे हैं, तो उसमें दो मॉड्यूल हैं हमारे पास। अगर मान लीजिए एक मॉड्यूल है जो हमारा प्रॉपरली रन हो रहा है और नया मॉड्यूल हम उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो जो रिग्रेशन टेस्टिंग है उसका काम क्या है, वो ये चेक करेगा कि नया मॉड्यूल ऐड होने के बाद जो मॉड्यूल फर्स्ट था हमारा, जो प्रीवियस मॉड्यूल था, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ, दैट इज स्मोक टेस्टिंग। दिस टेस्ट इज डन टू मेक श्योर दैट सॉफ्टवेयर अंडर टेस्टिंग इज रेडी और स्टेबल फॉर फर्दर टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग का मतलब है कि इसमें हम ये टेस्ट करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमारा अंडर टेस्टिंग था या जो सिस्टम हमारा अंडर टेस्टिंग था वो फर्दर टेस्टिंग के लिए तैयार है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। कि मान लीजिए जो सिस्टम है हमारा जो, ठीक है, वो हमारा आगे जो भी टेस्टिंग की प्रक्रिया है उससे गुजरने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, ये हम स्मोक टेस्टिंग में चेक करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ए स्मोक टेस्ट एज द टेस्टिंग एन इनिशियल पास इज डन टू चेक। इट इज़ कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग एज द टेस्टिंग, इसे हम स्मोक टेस्टिंग कहते हैं, और एज द टेस्टिंग एन इनिशियल पास, टेस्टिंग में क्या है एक इनिशियल पास होता है, इज डन टू चेक इफ इट इज नॉट कैच द फायर और स्मोक इन द इनिशियल स्विच ऑन। ठीक है, इसका मतलब है कि ये चेक करना कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अगले प्रोसेस के लिए तैयार है नहीं तैयार है, अगली टेस्टिंग के लिए तैयार है नहीं तैयार, तो हम ये चेक करेंगे क्या कि ऐसा तो नहीं है कि प्रोसेस हमारा अभी पिछले ही प्रोसेस पर डिपेंड है, यानी कि पिछला प्रोसेस कम्प्लीटली वर्क कर रहा है या प्रोसेस में है, तो वो आगे का जो प्रोसेस है वो उस पर डिपेंड तो नहीं है। ठीक है, ये टेस्टिंग हमारी स्मोक टेस्टिंग कहलाती है। अब अल्फा टेस्टिंग की बात करते हैं। दिस इज ए टाइप ऑफ वैलिडेशन टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग एक वैलिडेशन का टाइप है, वैलिडेशन टेस्टिंग का टाइप है। इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग विच इज डन बिफोर द प्रोडक्ट इज रिलीज टू कस्टमर्स। दिस इज टाइप ऑफ वैलिडेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग का एक टाइप है, और ये एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग का भी एक टाइप है, विच इज डन बिफोर द प्रोडक्ट इज रिलीज। प्रोडक्ट के रिलीज होने से पहले, मतलब जो आउटपुट है उससे रिलीज होने से पहले ये अल्फा टेस्टिंग हमारी की परफॉर्म की जाती है। इट इज़ टिपिकली डन बाई क्वालिटी एश्योरेंस पीपल, और ये ज़्यादातर क्वालिटी एश्योरेंस पीपल के द्वारा की जाती है। ओके, नाउ बीटा टेस्टिंग की बात करें। द बीटा टेस्ट इज कंडक्टेड एट वन और मोर कस्टमर साइट्स बाय द एंड यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो बीटा टेस्टिंग है वो जिसे वो कस्टमर साइट पर परफॉर्म की जाती है एंड यूजर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के जो एंड यूजर हैं उनके द्वारा कस्टमर साइट पर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। दिस वर्जन इज रिलीज्ड फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स, और बीटा टेस्टिंग का ये जो वर्जन है वो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के लिए रिलीज किया गया था फॉर टेस्टिंग इन ए रियल टाइम एनवायरनमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को रियल टाइम एनवायरनमेंट में टेस्ट करने के लिए बीटा टेस्टिंग
एंड यूजर के द्वारा यूज की जाती है। नाउ स्ट्रेस टेस्टिंग, इन दिस वी गिव अनफेवरेबल कंडीशंस टू द सिस्टम एंड चेक हाउ दे परफॉर्म इन दोज कंडीशंस। स्ट्रेस टेस्टिंग में, जैसा कि इसका नाम है, इसमें हम अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्टम को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि इस कंडीशन में सिस्टम किस तरीके का वर्क करता है, यानी कि सिस्टम को अलग अलग कंडीशन के अनुसार, जो मतलब उसके फेवरेबल कंडीशन ना हो, उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेक करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं। देन परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट द रन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सिस्टम की रन टाइम परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। एक किसी इंटीग्रेटेड सिस्टम के रिगार्डिंग रियल टाइम या रन टाइम परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू टेस्ट द स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम या सिस्टम या प्रोसेस के स्पीड और इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग को अटेम्प्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड लोड टेस्टिंग, इसे लोड टेस्टिंग भी कहते हैं। इन इट वी चेक व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इसमें हम ये चेक करते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है इन द गिवन लोड, यानी कि जो गिवन लोड है उसके रिगार्डिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, ये हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग में चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे की जो टेस्टिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।